हेलो स्टूडेंट्स, दिस सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। चालू करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4, दैट इज ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। अब ये क्या है देखते हैं। इंट्रोडक्शन। दे द ट्राइब्स दे हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड बाय डाउन बाय द ब्रह्मास। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी सोशल डिस्टिंक्शन। ऐसा बोल रहे हैं कि जो ट्राइब्स के बारे में जो ये आदिवासी लोग हैं उनके जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे वो बहुत अलग थे। ब्रह्मा जो ये ब्राह्मण्स हैं उन लोगों ने इसको इतने अच्छे से बताया नहीं। ये लोग हैं ना इतने ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं थे जितना इन लोगों को बताया जाता था। मिड 1870 में क्या हुआ, एक बिरसा करके एक पर्सन था जो एक मुंडा ट्राइबल ग्रुप में बॉर्न हुआ था जो छोटा नागपुर में रहते थे। ये मुंडा क्या है, एक ग्रुप है जैसे अपने अग्रवाल जैन ऐसे होते हैं ना, तो ये मुंडाज एक ट्राइबल ग्रुप था। वहाँ पे बिरसा करके एक पर्सन बॉर्न हुआ था। ये बिरसा जो था ना वो ऐसा सबको बताता था कि यार मैं तो भगवान का बंदा हूँ, भगवान ने मुझे तुम्हारा दुख दूर करने भेजा है। तो बिरसा को है ना ऑलमोस्ट सारे लोग फॉलो करने लगे। सिर्फ छोटा नागपुर नहीं, उसके अलावा के बहुत सारे लोग थे जो बिरसा के आइडियोलॉजी में मानते थे और बिरसा को फॉलो करते थे। ही इज़ नोन टू अपोज द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉरेस्ट एरिया एंड रिवोल्टेड इन 1895 टिल हिज डेथ इन 1900। उसने क्या ना ब्रिटिशर्स ने है ना जब फॉरेस्ट रेगुलेशन लगाए, फॉरेस्ट रेगुलेशन मतलब उन्होंने फॉरेस्ट में लोगों का आने जाने पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, तो उसके अगेंस्ट बिरसा लड़े थे। बिरसा ने बहुत सारी चीज़ें की थी और उन्होंने अपने जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने अपने बोलते ना देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लीव, यहाँ पर यह बता रहा है कि ये पूरे चैप्टर में अपन को ये देखना है कि किस तरह से पुराने ज़माने में जो ट्राइबल्स थे या आदिवासी थे ये अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है। बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज सच एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हर्डिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ऐसा बोल रहे हैं कि 19th सेंचुरी तक जो हमारे ट्राइबल लोग थे वो अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। कुछ सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, कुछ हर्डिंग कर रहे थे और कुछ कुछ प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। अब यहाँ पर हमको कुछ चार चीज़ें देखनी है। कुछ जूम कल्टिवेटर थे, कुछ हंटर एंड गैदरर्स थे, कुछ हर्ड एनिमल्स को हर्ड करके खाते थे और कुछ सेटल कल्टीवेटर्स थे। अब सबसे पहले आते हैं जूम कल्टीवेशन पे। जूम कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे ये पर्टिकुलर एक एरिया है यहाँ पे, ये फॉरेस्ट है। जूम कल्टीवेशन में इस फॉरेस्ट को काट दिया जाता था। ये फॉरेस्ट को काटने के बाद इसको जला दिया जाता था, उसका जो ऐश आता था उसको इस लैंड पे पूरा फैला दिया जाता था। ये ऐश से यहाँ पे जो भी उनको पोटाश मिलता था उससे सॉइल को फर्टिलिटी मिलती थी। फिर इस लैंड पे वो लोग क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे। फिर जब इस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी तो इस लैंड को छोड़ के कोई और लैंड पे जाते थे, फिर वहाँ पे फॉरेस्ट काटते थे, वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे। तो इसको अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं और इसको अपन जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है 19 सेंचुरी तक कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो जूम कल्टीवेटर थे, जो जगह जगह अलग अलग जगहों पे जाके अपना कल्टीवेशन करते थे। देखते हैं जूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज डन ऑन द स्मॉल पैचेस, छोटी छोटी पैच ऑफ लैंड्स पे ये किया जाता था। ठीक है। द कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप, उनको ट्री टॉप को क्या करते थे, कट करते थे ताकि जो हीट है वो ग्राउंड तक पहुंच पाए। फिर जो वेजिटेशन है उसको जला के पूरा कल्टीवेशन को क्लीन करते थे। उससे जो ऐश आता था उसको सब जगह फैला देते थे ताकि वो ऐश के अंदर जो पोटाश कंटेंट है वो हमारी सॉइल को क्या कर दे, फर्टाइल कर दे। वो लोग सीड्स को है ना गाड़ते नहीं थे, वो लोग सीड को ऐसे बिखेर देते थे, मतलब उनको हार्वेस्ट नहीं करते तो उसको ऐसे बिखेर देते थे, प्रॉपर है ना प्लो नहीं करते थे उसको। और है ना उसके बाद एक बार क्रॉप उगना चालू होता था उसको हार्वेस्ट करके वो लोग दूसरी फील्ड पे चले जाते थे और सेम प्रोसेस वहां पे रिपीट करते थे। इस तरह से ये क्या होता था, इसको जूम कल्टीवेशन बोलता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां पे जनरली पाई जाती थी, हिली और फॉरेस्ट ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में। ये टाइप ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा प्रिमिटिव, बहुत ज्यादा पुरानी है, जो जिसकी वजह से हम लोगों को हमारी फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जूम कल्टीवेशन में पूरा का पूरा फॉरेस्ट अपन को जलाना पड़ता था। तो ये जो कल्टीवेशन है ना बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम की कल्टीवेशन है और ये कल्टीवेशन से अपना फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स इन मैनी रीजन्स, ट्राइबल ग्रुप लिव बाई हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना वो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, एनिमल्स को हंट करके और फॉरेस्ट के जो कुछ प्रोडक्ट्स है उनको क्या करके, उनको मतलब काट के खरीद के। कोन्स करके एक कम्युनिटी थी जो हंटर एंड गैदरर से जो ओडिशा में रहते थे, वो लोग दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ सैल एंड महुआ। क्या बोल रहे हैं, वो लोग है ना फ्रूट्स खाते थे और वो लोग है ना रूट्स से
दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो भी चीज़ें इन फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे वो उसको खाते थे। वो लोग खाना ऑयल में बनाते थे। अब वो ऑयल कहाँ से लाते थे? वो लोग ऑयल सीड्स से लाते थे। जो सीड्स किसकी होती थी? सेल एंड मऊआ करके सीज आती थी, उस सीज में से वो लोग ऑयल निकालते थे और अपना खाना उसके अंदर पकाते थे। दे यूज मैनी प्रोडक्ट्स, वो लोग है ना बहुत सारे ना फॉरेस्ट के जो बोलते हैं ना वेजिटेशंस है उसको एज ए मेडिसिन पर्पस भी यूज़ करते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अपने लोकल मार्केट में भी बेचने की कोशिश करते थे। जो लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स थे ना वो लोग कोन्स में आते थे ताकि उन लोगों को अपना कुसुम और पलाश फ्लावर से जो उनको कलर मिलता है वो वहाँ से ले सके। बेगर्स एक कम्युनिटी थी जो सेंट्रल इंडिया में रहती थी और वो लोग है ना दूसरों के लिए काम करने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी के अंडर में काम करें, तो वो लोग खुद ही अपना पूरा काम सेटअप करते थे, वो किसी के अंडर में काम नहीं करते थे। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना उन लोगों को आपस में चीज़ें बेचनी खरीदनी पड़ती थी दूसरे ग्रुप के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक एरिया में उनको सब मिल जाए। तो वो लोग कैसे आपस में एक्सचेंज करते थे? वो लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम के अंदर हर बार पैसा एक्सचेंज नहीं होता, ये इसको वीट दे रहा है, ये इसको राइस दे रहा है, तो ये बार्टर सिस्टम होता है। जो ट्राइबल ग्रुप उस टाइम पे बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। मोर ओवर ट्राइबल ग्रुप के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था, अगर उनको खुद का काम चालू करना है ना तो उन लोगों को लोन्स लेने पड़ते थे। तो वो लोग कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स है ना उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो उन लोगों को लोन तो मिल जाता था, वो अपना काम तो चालू कर देते थे, पर उस टाइम पे मनी लेंडर इतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट चार्ज करते थे कि उन लोगों को वो लोन को रीपे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो ये अपन ने देखा कि किस तरह से जो ट्राइब्स है जो हंटर और गैदरर की लाइफ जी रहे हैं वो अपनी लाइफ बिताते थे। सम हर्डेड एनिमल, अब मैनी ट्राइबल ग्रुप लिव बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कुछ कुछ ऐसे थे जो एनिमल को मार के अपना खाना खाते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने सीजन के अकॉर्डिंग जहाँ पे उनको अपना खाना मिल जाए। द वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। जो ये लोग थे ये कैटल हर्डर्स थे। द गदीज ऑफ कुल्लू वर शिप हर्ड्स एंड द शेफर्ड्स एंड बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेयर्ड गोस। ऐसा बोले ये जो कुल्लू वाले हैं ये किसको चराते थे? ये बकरी चराते थे और जो बकरवाल्स है वो का वो गोच को चराते थे। ये लोग अपने हिसाब से क्या करते थे, जहाँ पे उनको अपनी गाय भैंस को खाना खिलाने के लिए लेके जाना पड़ता था ये अपनी गाय भैंस को वहाँ पे लेके जाते थे। लेटर ब्रिटिशर्स ने एक रूल डाल दिया था फॉरेस्ट लॉ, जिस वजह से उन लोगों ने बोल दिया था कि फॉरेस्ट में आप लोग एंटर नहीं हो सकते। इस वजह से जो ट्राइबल ग्रुप था जो हर्ड करता था एनिमल को वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी की ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बट कोई भी एंड रिजल्ट सामने उठ के नहीं आया। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, ये तो अपन ने तीन बात की, ये जो घूम घूम के अपना कल्टीवेशन करते। एक कुछ लोग थे जो सेटल्ड कल्टीवेशन, मतलब वो ऐसा बोलते थे कि जगह जगह पे घूम के कल्टीवेशन करने से अच्छा अपनी खुद की एक लैंड ले लो, उसके ऊपर अपनी राइट एस्टैब्लिश करके आप उसी पे अपनी खेती करना चालू करो। तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक ही लैंड पे अपना राइट लेके हम लोग उसी पे अपनी पूरी खेती करना चालू करेंगे। फ्यू ट्राइब्स सच एज मुंडास कंसीडर द क्लैन राइट ओवर द लैंड। ऐसा बोले एक ग्रुप था मुंडास, उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंड पे अपना पूर्वजों बोला कि हमारी पूर्वजों की लैंड है, उन्होंने अपना इसमें राइट जमा दिया और बोला कि ये जो है ये पूरी लैंड हम मुंडास को बिलोंग करती है। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ग्रुप जैसे गोन संथल ऐसा बोला कि ये जो ग्रुप्स है वो लोग क्या करते हैं, ये लोग सेटल कल्टीवेशन करते हैं और ये जो ऐसे जो लोग हैं जो सेटल कल्टीवेशन करते हैं वो ऐसे लोग जो हर्डर्स है या हंटर गैदरर्स है उनसे बहुत ज़्यादा सिविलाइज है, बहुत ज़्यादा मैनर्ड है। ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने लोगों के बारे में स्टेटमेंट दिया। ऐसा बोल रहे एक्सट्रैक्शन ऑफ यूज revenue was done from the tribals in case of non-payment of revenue their lands were taken away and because of the reason this reason to discord ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो cultivators है ना जो अपनी land को cultivate करते थे वहाँ पे crop और उगाते थे ब्रिटिशर्स उनसे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स चार्ज करते थे। अगर वो लोग वहाँ पे उनको टैक्स नहीं देते थे तो ये लोग क्या करते थे ब्रिटिशर्स उनसे उनकी ज़मीन बोलते थे ना छीन लेते थे। तो इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो ट्राइबल किस तरह से ब्रिटिशर्स से नाराज़ हुए, किस तरह से ट्राइबल्स अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अपन ने आज के लेक्चर में ये देखा। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इनके साथ क्या देख किया, किस तरह से उन लोगों की आगे जाके लाइफ चेंज हुई, ये सारे बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।